आयशा, मैं जानना चाहूँगी फिश का क्या क्या फ़ायदे हैं बालों के लिए अच्छे, क्योंकि हम अमूमन फिश कैप्सूल्स भी होते हैं जो आप कंज्यूम करें बालों के लिए, कॉड लिवर ऑयल, एग्जैक्टली उसके हवाले से भी हमें बताएं। स्किन के लिए बहुत अच्छी है फिश, उसमें हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छी अमाउंट में, उसमें हमें विटामिन डी भी मिलता है जो कि हमें सूरज से मिलता है, और विटामिन डी हमारी बहुत, उसकी भी बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कम रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगेन विटामिन डी डेफिशिएंट है तकरीबन हर खातून, हमारी विटामिन डी डेफिशिएंट है, क्योंकि हम, हमारा वो ट्रेंड नहीं है कि हम जा धूप में, दो के सनलाइट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, नेचुरल भी और मुफ्त भी, लेकिन वी डोंट बॉदर। तो फिश इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा सोर्स है, देन प्रोटीन का एज आई सेड, एंड फैट, लो फैट फूड है। सो मतलब हम इसको अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या अगर हम अपनी हाई प्रोटीन डाइट जो हम लोग अंडे और इन सबसे पूरा करते हैं, तो यू नो फिश के थ्रू जो खास तौर पे सर्दियों में हम अगर हफ्ते में यू नो 4 ounces यानी 4 to 5 ounces एक वक्त में हफ्ते में दो बार ले लें, यानी तकरीबन 8 ounces बन गए, 8 to 10 ounces डिवाइडेड इन, मतलब वो एक पीस आपका बन जाता है। एग्जैक्टली, तो यू नो इट्स सफिशिएंट। अच्छा, एक पीस अगर आप खा लेते हैं हफ्ते में दो बार, मतलब दो पीसेस हो गए, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। सफिशिएंट, और ये सीजनल चीज है तो मेरे ख्याल से आप कंज्यूम भी कर लें, बहुत ज्यादा भी नहीं खानी चाहिए वैसे। बहुत ज्यादा भी नहीं। अच्छा, मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जी एक चीज है गर्म होती है, तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड टेक्निकली ये जो गर्म और सर्द है ना, ये कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, वो एक यू नो वो हकीम, फिर वही बात आ जाती है कि हकीम जो है वो अपने हिसाब से बात करेगा, मैं अपने हिसाब से बात करूंगी, डॉक्टर्स अपने हिसाब से। आजकल जो हमारी आयशा मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल है, हमारी जो डाइट है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि हम उसको कहें जी हमें गर्मी इससे हो गई, हमें सर्दी इससे हो गई। इवन ड्राई फ्रूट्स के बारे में लोग इतनी बात करते हैं कि आप नहीं खाएं बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा तो डेफिनेटली कोई चीज़ नहीं खाएं। ड्राई फ्रूट्स भी हम बच्चों को नहीं देते कि भाई ये गर्म होते हैं। अब उसमें भी ये है कि देखें ड्राई फ्रूट्स उसमें गर्म का, आई वोंट से कि वो गर्म, बेसिकली वो ड्राई कॉन्टेंट। देखें सर्दियों में एक हमारा बहुत आप कॉमन देखेंगी एक मसला है, वो है डिहाइड्रेशन। बिल्कुल ठीक है, वो क्यों हो रही है? पानी कम पिया जा रहा होता, पानी कम पिया जा रहा है, नेचुरल रीजंस भी उसकी है कि ऑब्वियस रीजंस हैं इनफैक्ट, कि हमें लग रहा होता है कि जी ठंड है तो शायद हमारी बॉडी की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती क्योंकि प्यास इतनी नहीं लग रही होती, स्वेटिंग कम हो रही होती है, लेकिन हमें बॉडीली एक रिक्वायरमेंट है पानी के 8 to 10-12 glasses की, वो हमें पूरी करनी चाहिए। स्किन के आधे इश्यूज जो आया ना आपको, मैं बताऊँ पानी से हल हो जाता, हल हो जाता। गर्मियाँ सर्दियाँ हमारा एक्ने हो गया, फ्रेकल्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, अब वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है। वो जो ड्राई वाली आप बात कर रही हैं, ड्राई फ्रूट और बच्चों को नहीं देना, वो ड्राई फ्रूट, ड्राई इटसेल्फ, फ्रूट इज इटसेल्फ ड्राई, उसको डिहाइड्रेट किया गया, उसमें से पानी वाला कॉन्टेंट ब्लांचिंग के थ्रू या हाउ एवर उसको निकाला गया, या जो भी प्रोसेस इस्तेमाल मैथड इस्तेमाल करके उनको ड्राई किया गया, तो डेफिनेटली वो ऑलरेडी ड्राई है, तो वो हम जब खा रहे होते हैं तो बेसिकली खुश्की हो रही होती है, जिसकी वजह से वो हमें गर्म और सर्द लग रहे होते हैं।